आर देयर विदाउट रिपीटेशन। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैंने आपसे पहले ही उसमें कहा बेटे, जब वो आपसे कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, तो देयर मीन्स व्हाट, इन आवर नंबर सिस्टम। तो जब हमारे नंबर सिस्टम की बात कर रहा है, जो हम डेसिमल नंबर सिस्टम लेते हैं, ठीक है भाई, तो अगर हम उस नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो नंबर्स बने होते हैं वो कौन कौन से डिजिट से बने होते हैं, गेट बंद करो, तो वो कौन कौन से डिजिट से बने होते हैं बेटे, 0 to 9। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं दिया भाई, यूजिंग हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर्स तो कह दिया, बट यूजिंग व्हाट, जैसे ऊपर कह रहा था बेटे क्वेश्चन में ए थ्री डिजिट नंबर्स यूजिंग दिस, तो वहां में पता था क्या क्या यूज करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ था। लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चन देगा तो अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस है कि अब हमें क्या यूज करना है। तो इसका मतलब क्या होगा, फोर डिजिट नंबर्स बेटे यूजिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो कितने डिजिट्स हो गए हमारे पास, 10 डिजिट हो गए। अच्छा, विदाउट रिपीटेशन तो दिया हुआ ही है कि भाई रिपीट नहीं करना है, बात सही है। लेकिन जब आप बेटे इनमें से फोर डिजिट नंबर बनाओगे, तो क्या यहाँ पे कोई कंडीशन है? यस सर, फर्स्ट प्लेस पे जीरो नहीं आ सकता। वेरी नाइस, है ना बेटे, क्योंकि इसमें हमारे पास जो यूजिंग है वो जीरो है, तो जीरो सब जगह आ सकता है लेकिन स्टार्टिंग में नहीं आएगा बेटे, है ना। स्टार्टिंग डिजिट अगर हमारा जीरो हो जाएगा बेटे, तो फिर वो हमारे नंबर नहीं रहेंगे। तो भाई अगर यहाँ होगा तो इसको हटाना है, तो अब इसको कैसे हटाएंगे मुझे बताओ, तो इस वाले को अलग से गिन लेते हैं। अब मुझे बताओ अगर इस पे हमारा जीरो नहीं आएगा तो इस पे कौन कौन आ सकता है, 1 to 9। तो इसके लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है बेटे, 9। और कितने प्लेस फिल करने हैं, 1। तो 9P1, यस और नो, सब बच्चे बताओ। Yes, sir. अब हुआ क्या बेटे, हुआ ये कि 9 में से कर लिया कोई सा भी, मान लो 1, 2, 5 मान लिया, मान लो। अब हमारे पास प्लेस कितने बचे बेटे, 3। और नंबर कितने बचे बेटे, 9। अगेन 9, क्यों, अब 0 मिल गया उसमें, यस और नो, यस सर। तो अब फिर आपके पास 9 आ गए, तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटे, 9P3। बताओ सब बच्चे समझ में आया या नहीं आया? यस सर, आ गया। ठीक है, सब बच्चे समझ में आ गया ये, यस सर। अच्छा चलो, एक चीज और सीख लो आज यहाँ पे। एक्चुअली क्या होता है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, सब बच्चे ध्यान से सीख लो, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। हमारे पास बेटे 10 डिजिट हैं, 0 to 9, तो 10 डिजिट्स को अगर मैं किसी को कहीं भी रखूं और 4 डिजिट को यूज करूं, तो कितने नंबर्स बनेंगे, या नंबर्स ना कह के मैं कोड कह दूं, कोड, जैसा हमें कोड बनाना है, मोबाइल का कोड होता है, तो मोबाइल का कोड 0 से भी स्टार्ट हो सकता है, 0, 2, 5, 7। तो क्या आप मुझे बता सकते हो यूजिंग 10 डिजिट्स हाउ मेनी 4 डिजिट कोड्स आर पॉसिबल, बताओ विदाउट रिपीटेशन, यूजिंग 10 डिजिट्स, तो 4 डिजिट कोड, बताओ। अरे इसमें कुछ सोचना थोड़ा ही है बेटे, सीधा सीधा सा 10P4 होगा, यस और नो, हमारे पास डिजिट्स कितने हैं, 10, और कितने यूज करने हैं, 4, और विदाउट रिपीटेशन है, तो 10P4 आंसर है, यस और नो, यस सर। मतलब हमारे पास 10 डिजिट में से 0 से 9 तक लेके कुछ भी नंबर्स बना दीजिए, तो वो इतने नंबर्स बनेंगे 10P। बस इनमें कौन से वाले नंबर 4 डिजिट नंबर नहीं होंगे, अभी जो कोड बने होंगे इसमें कुछ कोड ऐसे बने होंगे जो 0 से स्टार्ट हो रहे होंगे, 0357, 0985, तो ये वाले 4 डिजिट होंगे या नहीं होंगे, और होंगे ये वाले, ये 4 डिजिट नंबर्स होंगे, ये तो 3 डिजिट बताएंगे ना बेटे, यस सर। तो अब इनमें से क्या करो, इनमें से वो वाले नंबर हटा दो, कौन से वाले नंबर्स, ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ, स्टार्टिंग विद जीरो, जो नंबर 0 से स्टार्ट हुए, बताओ 4 डिजिट नंबर या 4 डिजिट कोड, 4 डिजिट कोड स्टार्टिंग विद जीरो, बताओ कितने नंबर बने होंगे जो 0 से स्टार्ट हो रहे होंगे, कोई बच्चा बताएगा मुझे,
अब तो कंडीशन लगा दी ना मैंने कि जीरो से ही स्टार्ट होना है, तो बताओ तीन डिजिट होंगे पहले वाले पे क्या ऑप्शन होगा विवेक? जब जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो पहले वाले के लिए ऑप्शन तीन बचेंगे सर। अरे पहले वाले के लिए ऑप्शन बताओ ना बेटे, जो नंबर अभी नहीं बेटे मैं कह रहा हूँ अभी भी कोड तो फोर डिजिट का ही है। तो लेफ्ट लेफ्ट मोस्ट के लिए कितने ऑप्शन बेटे? लेफ्ट मोस्ट के लिए यहाँ पे कौन होना चाहिए? ओनली वन, ओनली वन, ओनली वन, शाबाश। तो यहाँ होगा बेटे वन पी वन, यहाँ कौन होगा? वन पी वन कौन है बेटे? जीरो। अच्छा अब बचे कितने प्लेस बेटे? थ्री। और कितने नंबर, कितने डिजिट बचे? नाइन। तो इसके लिए क्या ऑप्शन होगा बेटे? नाइन पी थ्री। तो एक तरीका ये भी होता है बेटे, टेन पी फोर माइनस नाइन पी थ्री। कुछ समझ में आया या नहीं आया? यस सर। तो बच्चे बताओ एक तरीका ये भी होता है बेटे कि 10p4 तो टोटल नंबर्स हैं, टोटल फोर डिजिट नंबर्स, चाहे वो चाहे शुरू में जीरो ही क्यों ना आ रहा हो, और 9p3 वो नंबर हैं जो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इतने सारे नंबर में से जीरो वाले हटा दो, तो जब आप जीरो वाले हटा दोगे तो वो वाले बचेंगे जो जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहे। और एक तरीका वो था जो ऊपर हमने लिया था कि भाई फर्स्ट डिजिट पे कौन है और लास्ट डिजिट पे कौन है। समझ में आया सबको? यस सर। ये तो कौन सा, ये तो कौन सा हुआ? ये वो हुआ जब हमें कंडीशन दी होती है। लेकिन अगर बेटे रिपीटेशन दिया हो तब हम क्या करेंगे? अजरीबा नहीं है क्या? अजरीबा है सर, आवाज नहीं आ रही। समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब? नहीं सर आ रहा है। डाउट नहीं है इसलिए नहीं पूछे। वेरी गुड। अब जरा देखो बेटे, शाबाश, बहुत अच्छा। देखो इधर, अब हमारे पास क्या है बेटे, मैं कह रहा हूँ रिपीटेशन। हमने क्या कहा? हम ये कह दें बेटे कि थ्री डिजिट नंबर्स, ठीक है, यूजिंग 1 2 3 4 5, ठीक है, डिजिट्स आर रिपीटिंग। अब जो हमारा फॉर्मूला है वो डिस्टिंक्ट के लिए है, और यहाँ पे तो कह रहा है रिपीटिंग। अब हम क्या करेंगे? तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है बेटे कि इन सारे डिजिट्स को अलग अलग ले लो, क्योंकि एक कंडीशन हो गई अब कि भाई रिपीटेशन भी एक कंडीशन है। तो अब मुझे बताओ पहले वाले इसके यूनिट प्लेस के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं बेटे? फाइव। और यूज कितने होंगे? और यूज कितने होंगे? एक। एक। फिर दूसरे के लिए फिर कितने ऑप्शन है बेटे? 5p1। फिर कितने होंगे बेटे? 5p1। अब समझ में आया या नहीं आया? बेटे अगर रिपीटेशन होगा तो फिर हम अलग अलग लेंगे, हमें क्या जा रहा है? आगे समझ में? कंडीशन होगा तो कंडीशन पे कर लेंगे, रिपीटेशन होगा तो रिपीटेशन पे कर लेंगे। आओ चलो जल्दी से देखो क्वेश्चन जो कह रहा था। तो सेकंड तो समझ में आ गया, फोर डिजिट वाला जी सर, है ना? यस सर। आओ चलो देखो फिर, अल्लाह ये देखो, बताओ शाबाश सब बच्चे, जल्दी से एकदम से क्वेश्चन देखते ही बताना। सब बताया करो, गलत आएगा आने दो, कम से कम बोलना तो शुरू करोगे, डरा मत करो। ये बताओ शाबाश, हाउ मेनी थ्री डिजिट, एक एक वर्ड का मीनिंग जरूर निकाला करो। हाउ मेनी थ्री डिजिट इवन नंबर्स, इवन नंबर्स ये इम्पोर्टेंट है, यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7, नो डिजिट रिपीटेड, तो ये तो हमारे काम की चीज है, रिपीट हो ही नहीं रहा है, बताओ। तो अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो देखो यूजिंग कितने हैं, कितने डिजिट यूज कर रहे हैं? थ्री डिजिट हैं। अच्छा सर, यूज कितने कर रहे हैं? सिक्स कर रहे हैं, सिक्स कर रहे हैं, और फिल कितने करने? थ्री। तो क्या कोई कंडीशन है? यस सर, इवन नंबर, इवन नंबर। तो इवन नंबर का मतलब लास्ट डिजिट को क्या करना है? कंडीशन पे रखना है। अब अगर कंडीशन पे रखना है तो उसके लिए कौन कौन अवेलेबल है? 2, 4, 6। तो यहाँ पे लिए ऑप्शन कितने? 3 ऑप्शन, AP1। फिल कितने करोगे? 1। ठीक है, एक यूज हो गया, यहाँ कौन बचा? 1, 3, 7, और 2 आ गए इधर से, तो 3 और 2 5, 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 5
यस सर। तो यूसुफ समझ में आ रहा है? यस सर। गुड, आओ चलो शाबाश करें, इसका मतलब आप लोगों ने अभी कर रहे हैं कुछ बच्चे, ये तो बात अच्छी नहीं है भाई। चलो देखो कोई बात, चलो शाबाश आओ।
हमारे पास क्या है ये क्वेश्चन, फाइंड द फोर डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, नो डिजिट इज रिपीटेड। तो बेटे ये एक क्वेश्चन अलग है, यहां तक बेटे एक क्वेश्चन अलग है, फोर डिजिट नंबर यूजिंग फाइव डिजिट्स, नो डिजिट इज रिपीटेड, क्या आंसर होगा इसका? 5P4। पता ये तो इतना सही है, डर क्यों रहे हो? अब आपसे क्या कह रहा है, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। अब आपसे कह रहा है इवन, तो फोर डिजिट की बात कर रहा था, लेकिन इसमें से इवन चाहिए, इसमें से क्या चाहिए, इवन। अगर इवन चाहिए तो इवन पे कंडीशन हो गई, अगर इवन पे कंडीशन हो गई तो इवन में कौन कौन है, इवन में हमारे पास 2 और 4 है, 2 और 4, तो कितने ऑप्शन, 2P1। शाबाश। अब आपसे क्या कह रहा था, ठीक है डिजिट रिपीट नहीं हो रही है अभी भी, तो हमारे पास बचे कितने बेटे, एक तो यूज हो गया, अब कितने बचे, तीन बच रहे हैं, चार बच रहे हैं, फाइव भी तो है ना, चार, कितने प्लेस यूज करने, थ्री, तो आंसर आ गया, नहीं आया, यस सर, दैट्स इट, ठीक है। आओ चलो एक क्वेश्चन और रह गया, बताओ, फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज ए चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन अज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन का मतलब ये है कि नॉट रिपीटिंग, एक आदमी एक ही वो बनेगा। तो अब आप मुझे बताओ, हमारे पास क्या 8 आदमी है, 8 पर्सन वी हैव एंड वी वॉन्ट टू फॉर्म 1 चेयरमैन एंड 1 वाइस चेयरमैन, तो हमें क्या करना है, 2 places हैं, 8 लोग हैं, 8P2। आंसर यही है, बस पता, आप वैसे ही चाहते तो 8×7 था, चेयरमैन के लिए 8 ऑप्शन, तो वाइस चेयरमैन के लिए 7 ऑप्शन, 8P2 को सॉल्व करोगे यही आए, क्लियर है सब बच्चों को, यस सर, दैट्स इट। चलो अब देखो, अब यहाँ से हमारा थोड़ा सा अलग पार्ट शुरू होता है, तो वो हमें देखना है कि ये क्या है। कुछ बच्चे आज हमारे बोल नहीं रहे, रुकैया और सामिया, उम्मे सलमा है भाई, समझ में नहीं आ रहा बेटे, रुकैया यस सर, समझ में आ रहा है, यस सर आ रहा है, और उम्मे सलमा हमारी बच्ची कौन है ये बेटे, समझ में आ रहा है आपको, एक सामिया है, सामिया है समिया है, सामिया, सामिया माशाल्लाह, आपका स्कूल कौन सा बेटे, आपको समझ में आ रहा है कुछ, यस सर ऑलमोस्ट आ रहा है, ऑलमोस्ट आ रहा है, ठीक है कोई बात, आइए चलिए अब यहाँ से देखेंगे, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, पहले तो हमारे पास क्या है बेटे, हमारे पास है NPR बेटे, तो NPR का फॉर्मूला क्या है बेटे, n factorial अपॉन n-r factorial, ये होता है बेटे सिंपल, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। अब दूसरा क्या है, एन फैक्टोरियल क्या है भाई, तो एन फैक्टोरियल क्या है सर, एन फैक्टोरियल होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये थोड़ा सा समझ लीजिए, लास्ट क्लास में भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, तो इसे समझ लीजिए, क्योंकि इस पे बेस ये 2-3 क्वेश्चन है छोटे छोटे से, एग्जाम में भी पूछ लेता है 1-2 मार्क्स के। तो इसका मतलब क्या है बेटी, अगर कभी 5 factorial लिखा हुआ आएगा तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 natural numbers, इसका मतलब ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5, तो फर्स्ट 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1×2×3×4×5, तो अगर कभी बेटे 10 factorial आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक, 10 तक। तो इसको अच्छा ये है कि हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखें, कैसे लिखें, अगर 10 फैक्टोरियल है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 10, 9, 8, 7 कहां तक, 1, ये मतलब। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ठीक है, ये तो 10 फैक्टोरियल है, लेकिन अगर 9 से 1 तक लेंगे तो उसको हम क्या कह सकते हैं, 9 फैक्टोरियल है ना बेटे, तो उसको हम 9 फैक्टोरियल कह सकते हैं,
तो इसका मतलब हम उसे लिख सकते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। सब बच्चों को ये बात समझ में आई या नहीं आई? नाइन से वन तक बेटे फर्स्ट नाइन नेचुरल नंबर हो जाएंगे तो उसे नाइन। अच्छा इसी तरह से बेटे अगर मैं कहूँ कि नहीं मुझे तो एट से वन तक चाहिए तो वो क्या हो जाएगा बेटे? इस तरह से हम अपने 10 फैक्टोरियल को बेटे ओपन कर सकते हैं। अगर 10 को बाहर लेंगे तो 9 रह जाएगा, 9 को भी लेंगे तो 8 रह जाएगा, अगर 8 को भी लेंगे तो 7 रह जाएगा। मतलब अगर मैं कभी ऐसे ही लिख दूं सिंपल कि ये 10 फैक्टोरियल है और ये 7 फैक्टोरियल है तो मैं इसको सिंपलीफाई कर सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। प्लीज आवाज मत करिए। तो हमारे पास क्या होगा 7 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है अब जरा इधर देखो इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं कि अगर ये हमारा n फैक्टोरियल है तो ये हम यूज करेंगे क्वेश्चन में। तो बेटे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n और फिर अंदर रह जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर हमने n माइनस 1 को भी एक्सपेंड कर दिया तो 1 लेस हो जाएगा यानी कि n माइनस 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा सब बच्चों को? अगर आपने n को बाहर निकाला बेटे तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल रह जाएगा और अगर n माइनस 1 को भी ले लिया तो एक और कम हो जाएगा, n माइनस 2 को भी ले लिया तो एक और कम n माइनस 3 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई सब बच्चों को या नहीं? सर आ गई। यस सर आ गई। इसको हम यूज करेंगे बेटे। बस अब ये देखो छोटे छोटे से 2-3 क्वेश्चन है ये देख लीजिए और ये बेटे पूछ लेता है एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको इतना टाइम लगाया कि 2 मार्क्स तो कम से कम हमारे फिक्स होते हैं। ये देखो बहुत सिंपल, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ गया तो बहुत ही सिंपल है। ये देखो हमारे पास क्या है बेटे, हमसे क्या कह रहा है n माइनस 1 n माइनस 1 पी 3 रेशो का मतलब अपॉन n पी 4 इज इक्वल्स टू 1/9। तो आपसे कह रहा है n बता। ठीक है बेटे तो आप पहले तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, n माइनस 1 p 3 होता क्या है बताइए, npr क्या होता है बेटे? n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल ना बेटे, ये होता है n npr। तो ऊपर क्या आएगा बेटे n माइनस 1 फैक्टोरियल और नीचे आएगा बेटे n माइनस r यानी कि n माइनस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये तो हो गया न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर क्या होगा बेटे? डेनोमिनेटर होगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल। सब बच्चे बताओ समझ में आया क्या? यस सर। पहले हमने लिया बेटे n माइनस 1 p 3 तो n माइनस 1 p 3 ये है ना, और फिर हमने लिया बेटे n p 4 तो n p 4 ये है। बताओ सब बच्चे समझ में आया क्या? यस सर आ गया सर। इज इक्वल्स टू कितना आया बेटे? अच्छा बताओ ऊपर क्या रह गया बेटे? ऊपर रह गया n माइनस 1 और नीचे क्या रह गया बेटे? n फैक्टोरियल। तो क्या हम n फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर सकते हैं? यस सर। क्या लिख सकते हैं बेटे उसे? n इनटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। Yes, is equals to क्या आएगा बेटे? 1/9। तो क्या कैंसिल होगा बेटे? n माइनस 1 फैक्टोरियल। n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 9। बताओ आया समझ में या नहीं आया? सर आया। हाँ भाई सब बच्चे बताओ बेटे समझ में आया सबको? हाँ भाई आधे बच्चे नहीं बोलते। Yes, sir. नहीं आधे भी तो नहीं बोलते, बाकी भी तो हमारे पास बच्चे, सब बोलो ना। सब चाय पीने चले गए क्या? सर आ गया। बच्चियां कहाँ गई हमारी? सर आ गया। माशाल्लाह बोलते रहो। आ गया। मुझे लगे कि आप लोग क्लास में हैं बेटे, थोड़ा सा वो बाद में खा लेना मोमोज और वो सब कुछ ना भाई। बाहर का कुछ खा रहे हैं या नहीं खा रहे अभी? या प्रेस चल रहा है? नहीं खा रहे ना, एहतियात करिए अभी कोई बात। चलो आओ शाबाश। ये वाला क्वेश्चन पहले एक मिनट आप सब बच्चे खुद से करो, सब बच्चे खुद से करना पहले एक मिनट, आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट इंशाल्लाह। देखो शाबाश करो, मैं चाहता हूँ इन्वॉल्व रहे आप, तभी मजा है।
क्लास के बाद ना पढ़ना पड़े, देखो मैं ये चाह रहा हूँ बस, क्योंकि सिलेबस दो दो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ एक साथ, तो मैं चाहता हूँ आप सिलेबस के बाद, कल क्लास नहीं ले पाया माजर चाहूंगा, तो आप लोग बेटे पढ़ने ना पड़े, बस अभी पढ़ लो जो पढ़ने, फिर आराम से दूसरे सब्जेक्ट्स का करना, मैथ्स की जरूरत ना पड़े, एटलीस्ट एनसीईआरटी तो नहीं। चलो शाबाश, बताओ फर्स्ट पार्ट करो सब बच्चे, एक सेकंड में हो जाएगा, सब बच्चे करो ट्राई। 5PR is equals to twice 6PR minus 1, R निकालना है, कोशिश करो सब बच्चे जल्दी से, फर्स्ट 60 सेकंड आपके लिए, देन आई विल स्टार्ट इंशाल्लाह। आइए 5PR क्या होगा बच्चे, 5PR होगा बच्चे 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल। अच्छा ये क्या होगा बेटे, 2 तो अलग से है, इनटू बेटे 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, यस और नो सब बच्चे बताओ पहले तो। यस सर। प्लस प्लस 1 आएगा बेटे, ध्यान रखना, अगर माइनस 1 कर दोगे फिर सॉल्व ही नहीं होगा। अब सॉल्व करो बेटे, अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम करेंगे तो 5 को तो 5 ही रहने देते हैं, 5 को तो कुछ करेंगे, और ये 5 माइनस आर भी ऐसे ही रहने देते हैं बेटे, क्योंकि कम वाले को चेंज नहीं करते, ज्यादा वाले को चेंज करते हैं, 6 को करेंगे चेंज, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल कर सकते हैं ना। यस सर। अच्छा अच्छा ये बताओ बेटे, इधर तो था 5 माइनस आर और इधर है बेटे 7 माइनस आर, तो 7 माइनस आर बड़ा है, तो 7 माइनस आर को बेटे ब्रेक करेंगे, 7 माइनस आर फिर आ जाएगा बेटे 6 माइनस आर, फिर आ जाएगा बेटे 5 माइनस आर, और कहां तक लाना था, 5 माइनस आर तक लाना था, यस और नो सब बच्चे बताओ। यस सर। यस जी। जब भी फैक्टोरियल को रिड्यूस करोगे बेटे, 1 लेस होता जाएगा कॉन्सिक्यूटिवली, और कहां तक करना है, जहां तक हमारे पास दूसरा छोटा वाला टर्म गिवन। चलो कैंसिल करो बेटे, तो 5 माइनस आर कैंसिल बेटे, 5 माइनस आर 5 कैंसिल बाय 5। अब सब बच्चे एक चीज नई तरीके से समझ लो सब बच्चे, बहुत काम आएगा, हमारे पास क्या आया बेटे, 7 माइनस आर और 6 माइनस आर इज इक्वल्स टू 12, 2 6 12। अच्छा ध्यान रखना बेटे, ये जो फैक्टोरियल है इट इज ओनली 4 नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, और किसी के लिए नहीं है, ओनली 4 नेचुरल नंबर एन, ठीक है। बस यहाँ ध्यान रखना, हमें जरूरत पड़ेगी जब भी जीरो फैक्टोरियल आएगा तो उसकी वैल्यू 1 होती है, बस ये ध्यान रखना, हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आया, तो एक तो तरीका ये है बेटे, जब आप इस 7 माइनस आर 6 माइनस आर को करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसके बाद हम उसको फैक्टराइज करेंगे तब हमारे फैक्टर्स आएंगे। लेकिन एक छोटा तरीका ये है बेटे, बहुत ही फास्टेस्ट, कि ये जो हमारे पास 7 माइनस आर और 6 माइनस आर है, These two are consecutive natural numbers बेटे। R हमारा natural होगा, तो एक बार 7 में से same number minus हो रहा है, फिर वही वाला 6 में से minus हो रहा है, तो these two are consecutive natural numbers। तो अगर आप किसी तरीके से 12 को 2 consecutive natural numbers में break कर सको, तो हमारा answer direct आ जाएगा। तो क्या मैं आपको बताऊं बेटे कि 7 माइनस आर और 6 माइनस आर इज इक्वल टू 4 × 3, यस और नो? यस सर। कुछ समझ में आया? मैंने क्या कहा भाई, 7 माइनस आर 6 माइनस आर कॉन्सिक्यूटिव, अभी इसको फैक्टराइज भी करेंगे, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी कर लेंगे, डरो मत। तो अब हम क्या करेंगे, हम कंपेयर कर लेंगे कि भाई पहला वाला जो बड़ा वाला है बड़े के इक्वल, और जो छोटा वाला है छोटे फैक्टर के इक्वल, दोनों से आंसर बेटे एक ही आएगा, 7 माइनस आर इज इक्वल टू 4 तो आर इज इक्वल टू 3, या 6 माइनस आर इज इक्वल टू 3 तो आर इज इक्वल टू 3, आंसर दोनों से एक ही आना। यस सर नो, समझ में बात आई या नहीं आई? यस सर। ये बेटे आप देखो जरा, yes, अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाता बेटे, 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इज इक्वल टू 12, तो ये होता बेटे 42 माइनस 7 आर माइनस 6 आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12,
तो ये हो जाता बेटे आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ आते बेटे 10 और 3 फैक्टर r माइनस 10 और r माइनस 3, तो एक से वैल्यू आती 10 और एक से वैल्यू आती 3। अब आप मुझे बताओ जब मेरे पास 7 माइनस r है तो क्या r 7 से या 6 से बड़ा हो सकता है क्या भाई? हमने नो सर नहीं हो सकता, नो सर छोटा होगा। हमने r की वैल्यू 10 निकाली ना बेटे, तो 10 अगर यहाँ रख देंगे तो माइनस में आ जाएगा बच्चे, आ जाएगा ना। तो इसका मतलब r 10 पॉसिबल नहीं है। तो अगर पॉसिबल नहीं है तो सिर्फ बचा कौन, कौन बचा भाई? 3। यस और नो? तो 3 तो हमारा वैसे ही आ गया था फैक्टर्स रखने से। समझ में आ गया आप सब बच्चों को? यस सर। अब कभी कभी देखो ध्यान से देख लो मैंने क्यों बताया। कभी कभी क्या होगा बेटे, ऐसे आ जाएगा। मान लो मैं आपसे कह दूं, जैसे यही आ रहा था, मान लो कि भाई मैं आपसे कह दूं 8 माइनस आर 7 माइनस आर एंड मैं आपसे कह दूं 6 माइनस आर, 3 फैक्टर्स आ गए और हमारे पास आ गया सपोज करो ऐसे, ठीक है। अब आपसे कहते बताओ आर क्या है, तो अब ये तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। तो क्यूबिक इक्वेशन को हम क्यूबिक इक्वेशन ही बनाएंगे, अगेन हम इसको ब्रेक कर लेंगे कॉन्सेक्यूटिव 3 नेचुरल नंबर्स में। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटे? Yes, sir, listen. बस अब हम इसको कंपेयर कर लेंगे कि 8 minus r is equals to 4, तो r is equals to 4, पता? आ गया समझ में सब बच्चों को या नहीं? आ गया सर। सेकंड पार्ट बताओ मुझे सब अच्छे जल्दी से पता कर। बाद में नहीं करना है, क्लास के बाद इंशाल्लाह आपको कोई करने की जरूरत नहीं है, बस यहीं पे मेरे साथ पढ़ लो, उसे बस लिख लेना कॉपी या कॉपी में, इतना जरूर कर लेना। बताओ इसको, बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ फटाफट, आर की वैल्यू क्या आई एक मिनट में? बताइए सही है? यस सर यही आया। बताओ बेटे इस 6 फैक्टोरियल 7 माइनस आर को हमने ऐसे लिख लिया और फिर हमने 6 को ऐसे लिख लिया 3 × 2। सबको समझ में आया? यस सर आ गया। चलो हाँ भाई बटालियन बाकी। यस सर गुड। देखो सर बहुत अच्छे, शाबाश। देखो अब यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ये चाहो तो आप ये भी कह सकते हो कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चंस, आईआईटी बेस्ड क्वेश्चंस, सिंपल बिल्कुल, ठीक है। तो मैं आपको इंशाल्लाह क्वेश्चन दिखाऊंगा, यही बिल्कुल एनसीईआरटी के क्वेश्चन रखे मिलेंगे एग्जाम, आईआईटी के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए। बताओ हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, वन वर्ड आंसर है बेटे, वन वर्ड। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, तो मीनिंग का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स, using all the letters, using each letter exactly once. तो हमारे पास है क्या? How many letters we have?
एट यूज कितने करने हैं तो आंसर क्या आया एट फैक्टोरियल एट पी एट यस एट पी एट इज एट फैक्टोरियल वेरी गुड इसमें इतना क्यों सोच रहे थे भाई सोचते ज्यादा हम लोग पता नहीं क्या होगा डर लगता है था देखो शाबाश सेम क्वेश्चन देखो ज्यादा कुछ नहीं सोचना है सर इसको है लेटर को इंडिविजुअली नहीं कर सकते हैं क्या कर सकते हैं हर एक लेटर को इंडिविजुअली नहीं कर सकते लाइक पी एट अपॉन वन पी वन आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बीच बीच में सर बोल रहे हैं सब लेटर को इंडिविजुअली सबका परम्यूटेशन निकाल के और फिर उसके बाद उसको कंबाइन कर सकते हैं 8p1 7p1 अलग अलग कैसे निकालेंगे 8p1 7p1 6p1 ऐसे यस सर लाइक ई का निकाल के फिर क्यू यू फिर उस टाइप से आप पोजीशन वाइज कर रहे हो ओके लेकिन वो तो कोई कंडीशन है नहीं ना फिर एनपीआर का फायदा क्या हुआ एनपीआर तो बेटे सबके लिए एक साथ आ जाता है ना अगर यहाँ सारी टर्म्स नॉन रिपीटिंग है तो एक साथ यूज कर लीजिए आप चाहो तो आप ये कहने लगो कि भाई हमने पहली पोजीशन के लिए कर लिया 8p1 फिर दूसरे के लिए कर लिया 7p1 तो वो तो 8 × 7 × 6 × 5 × 4 आता चला जाएगा फिर तो उसमें क्या वो तो काउंटिंग मेथड है फॉर्मूला मेथड आ रहा फॉर्मूला तो ये कि ऑल अगर कंडीशन नहीं है डिस्टिंक्ट है तो सीधा एनपीआर कर दीजिए वैसे तो आप चाहो तो काउंटिंग मेथड भी कर सकते हो कि पहले के लिए 8 दूसरे के लिए 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 पता ये आंसर है जरूरत ही नहीं ना एन की एनपीआर की ना किसी की ठीक है बेटे वो जो हम इंडिविजुअली हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई कंडीशन हो उस चीज के लिए रिपीटेशन कुछ हो कि नहीं इसको अकेले ही सॉल्व कर पाएंगे अकेले की जरूरत नहीं पड़ती देखो यहाँ बताओ जल्दी जल्दी से एक एक वर्ड का ही आंसर है How many words with or without meaning can be made from the letter of the word Monday, assuming that no letter is repeated if 4 letter are used? हमारे पास words letters कितने available हैं बेटे? 5. ठीक है 5 बेटे 6 है M O N है ना बेटे और D A Y कितने letter हैं? 6 और पहले वाले में कितने use करने हैं बेटे? 4 letter. तो क्या आंसर हुआ फोर क्या आंसर हुआ सिक्स पी फोर दूसरे वाले में कितने यूज करने ऑल लेटर्स आर यूज सिक्स पी सिक्स अब ध्यान से करना बेटे क्योंकि कंडीशन दी हुई है ऑल लेटर्स आर यूज बट फर्स्ट लेटर इज ए वॉवेल अब अदीबा बेटे अलग करना पड़ेगा फर्स्ट लेटर फर्स्ट लेटर पे कंडीशन है बेटे बाकी पे कंडीशन नहीं है तो बाकी को एक साथ ले लेंगे बाकी का एक साथ क्या मतलब क्या है टोटल कितने लेटर्स हैं 6 तो पहले वाले को तो अलग कर लो बाकी 5 को अलग कर लो ठीक है अच्छा पहले वाले पे कौन होना चाहिए पहले वाले पे वॉवेल और ए होगा वॉवेल है कितने बेटे हमारे पास दो है तो क्या हो जाएगा बेटे इसके लिए ऑप्शन दो है ऑप्शन क्या हो जाएगा 2p1 बाकी के लिए क्या होगा बेटे ऑप्शन बाकी के लिए बाकी कितने पोजीशन बची 5p1 ना लाइक 5p5 5 है ना बेटे 6 पोजीशन है सारे लेटर्स यूज करने आ गया सबको समझ में या नहीं अगर 4 यूज कर रहे हैं तो 6p4 ऑल यूज कर रहे हैं 6p6 अगर किसी वॉवेल से स्टार्ट कर रहे हैं तो 2p1 5p5 ठीक है ये हमारे पास है देखो पहले ये दो क्वेश्चन देख लो फिर इसमें से एक अच्छा क्वेश्चन बना दो चलो ये तो इसमें भी आ गया ये वाला सब बच्चे ध्यान से एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कुछ स्कूल में In how many of the distinct permutation of the letters in Mississippi do the four I's not come together?
ठीक है। अब पहले एक चीज समझ लीजिए बेटे, आप सब बच्चे देख लीजिए, इधर सब बच्चे आउट ऑफ, प्लीज ध्यान से देख लीजिए बेटे, आउट ऑफ ठीक है एन ऑब्जेक्ट्स ठीक है, एम वन ऑब्जेक्ट्स आर सेव आर अलाइव, बिल्कुल सेम है, आप उन्हें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते ठीक है। और M2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ अदर टाइप आर सेम, और M3 ऑब्जेक्ट्स ऑफ अदर टाइप आर सेम एंड सो ऑन एंड सो ऑन, और भी हो सकते हैं। तो टोटल परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, एन सारों की, एन ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट। तो पहले तो इस क्वेश्चन का मतलब समझो, मतलब यह है, देखो जैसा बच्चे ध्यान से, मेरे पास 2a है, 3b है, 2c है ठीक है, और मेरे पास d है और e है और f। एक तो ये था कि हम एक लेटर को एक से ज्यादा बार यूज करें, एक ये कि हमारे पास पहले से ही एक लेटर थ्री टाइम है, टू टाइम है, जैसा कार्ड है मान लो अल्फाबेटिकल कार्ड, तो हमारे पास टू कार्ड्स ए के हैं, थ्री कार्ड्स बी के हैं, टू कार्ड सी के हैं, बी का एक कार्ड है, ई का एक कार्ड है, एफ का एक कार्ड है, अब हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं। अब होगा क्या बेटे, प्रॉब्लम क्या आएगी, जैसे ये कार्ड्स रखेंगे, अगर मैं ऐसे ही कार्ड को रखूं और इस वाले ए को इधर कर दूं और इस वाले ए को इधर कर दूं, क्या वर्ड चेंज होगा या यस और नो, या वर्ड वही रहेगा? देखो हम थोड़ा सा कम ले लेते हैं, मान लो हमारे पास सिर्फ तीन कार्ड हैं, ए ए बी, तो हमने दो ए को पहले लिख लिया और बी को बाद में, तो हमारा एक अल्फाबेट बन गया, आप जो भी आप इसे पढ़िए, जो वर्ड बन गया हमारे पास डबल ए बी, आप पढ़िए, आप पढ़िए जो भी पढ़िए। अब मैं आपसे कह रहा हूँ नहीं, हम ए की पोजीशन चेंज कर देते हैं, इसको इधर और इसको इधर, अब हमारा वर्ड क्या बना? बस मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या ये डिफरेंट वर्ड बना या सेम ही वर्ड बना? सेम ही बना। तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, तो ये फर्क पड़ जाता है, यहाँ रिपीटेशन नहीं है कि हम ए को दो बार यूज कर रहे हैं, यहाँ तो ऑलरेडी हमारे पास है ही दो बार ए, और अगर उनको चेंज भी कर रहे हैं पोजिशन, तो उससे हमारी पोजिशन चेंज नहीं, तो हम इसको एक ही बार गिनेंगे, इस वाले को हम गिनेंगे, इसको हटा देंगे, ये तो हम गिन चुके साहब, ये कह देंगे हम, तब क्या होता है? तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ, तो जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास यहाँ कितने लेटर्स हैं, हमारे पास है टू ए है और थ्री फाइव और टू सेवन और थ्री टेन, तो यहाँ हम कह रहे हैं कि आउट ऑफ टेन लेटर्स या टेन अल्फाबेट्स ठीक है, We have two A same, three B same, two C same. अब मतलब समझ में आया बेटे जो मैंने ऊपर लिखवाया था? Out of n objects, m1 objects are एक type, one type, m2 objects are और second type, m3 objects are third type and so on. तो total permutation क्या होगा अगर उन सारे n के n को अगर हम arrange करें तो उनका permutation क्या होगा? समझ में आ गया? तो उनका परमुटेशन होता है बेटे n फैक्टोरियल अपॉन जितने बेटे सेम हैं उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं, m1 फैक्टोरियल, m2 फैक्टोरियल, m3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन जितने भी। तो जैसे हमारे पास यहाँ 10 थे तो इनका आंसर क्या आएगा बेटे? इनका आंसर आएगा 10 फैक्टोरियल, तो 10 अल्फाबेट्स के लिए, बट हमारे पास 2a सेम है तो 2 फैक्टोरियल, 3b सेम है 3 फैक्टोरियल, 2c सेम है 2 फैक्टोरियल, बाकी तो सब एक एक हैं, उसके 1 फैक्टोरियल से डिवाइड करने से कोई फायदा। क्वेश्चन समझ में आ गया या नहीं आया बताओ बस? सिंपल फॉर्मूला है, क्वेश्चन क्या फॉर्मूला है सिंपल, कि अगर हमारे पास टोटल 10 ऑब्जेक्ट्स हैं तो 10 फैक्टोरियल तो आना ही था, लेकिन उसमें से कम होते चले जाएंगे, भाई a 2 थे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, b 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, C2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, बाकी तो सब एक एक हैं तो उससे नहीं करेंगे।
आगे समझ में? अब हमारा क्वेश्चन देखो सब बच्चे, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया तब ये क्वेश्चन देखो सब बच्चे। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था तो उसको तो बाद में यूज करेंगे, मुझे तो पहले आप टोटल अरेंजमेंट बताओ सब बच्चे के, टोटल अरेंजमेंट क्या होगा। इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू द फोर आईज नॉट कम टूगेदर। In how many of the distinct permutation of the letters in Mississippi do the four eyes not come together? तो four eyes not come together अगर आपको याद हो, मैंने एक बार कहा था, वो चीज देख लीजिए, उसको use करेंगे कि भाई हम एक तो बनाएंगे total, ये total permutation क्या है, और एक बनाएंगे permutation जब साथ में आ रहे हैं together, और फिर हम बनाएंगे नॉट टुगेदर, तो टोटल में से टुगेदर माइनस कर देंगे तो नॉट टुगेदर आ जाएगा। बताया था क्या लास्ट क्लास में? यस सर। यस सर बताया था। कि भाई हमारे पास ए बी सी डी हैं, तो इनके टोटल अरेंजमेंट क्या है, फोर फैक्टोरियल। नहीं सर, ए बी साथ बैठेंगे तो साथ बैठेंगे तो उसके अरेंजमेंट क्या है, तो अगर टोटल में से साथ वाले माइनस करेंगे तो नॉट टुगेदर वाला आ जाएगा, ये हमने कहा था। तो हम आपसे क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, मुझे ये बताओ अगर टोटल अरेंजमेंट में करूं मिसिसिपी की तो टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे। हमारे पास वर्ड क्या है, एम आई डबल एस आई डबल एस आई डबल पी डबल आई, तो आप प्लीज ध्यान से देख लो, ध्यान भी रखना, एम एक है, आई फोर है, एस फोर है, पी दो है। तो मैं अगर आपसे पूछूं टोटल अरेंजमेंट of these letter कितने हैं, ये 5 और 4 9 और 2 11, बताओ भाई फॉर्मूला था सीधा सीधा से, आप हटो 11 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल माइनस नहीं होता बेटे अपॉन, अच्छा डिवाइड में से डिवाइड, आई के लिए 4 आएगा बेटे, 4 एस के लिए 4 आएगा बेटे, और पी के लिए 2 आएगा। यस सर नो? यस सर। तो ये तो हो गया टोटल, ये तो हो गया टोटल। आपसे कह रहा है इफ ऑल फोर आईज नॉट कम टुगेदर, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, नहीं आप बनाओ इफ ऑल फोर आईज कम टुगेदर, सोच के देखो जरा, फिर मैं स्टार्ट करूँ, सोचो जरा इफ ऑल फोर आई कम टुगेदर क्या होगा। सेम ही हो जाएगा, कितने बजे तक होगी क्लास? जी बेटे लास्ट क्लास में मैंने कहा था अगर टुगेदर करना होता है आई को, तो हमने कहा था कि भाई उन आई को एक साथ रख लेते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट फोर आईज, ये जो हमारे पास है बी ए सिंगल लेटर, जहां भी जाएंगे साथ जाएंगे, एक्स नाउ वी हैव, अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा एम, एक हो गया हमारे पास एक्स आई को आई की जगह, बट एस फोर ही रहेंगे और पी दो ही रहेंगे, तो अब हमारे पास कितने लेटर हो गए बेटे, 2 4 6 2 8, नाउ वी हैव टोटल 8 लेटर्स, तो अरेंजमेंट ऑफ देम बताओ, इन 8 लेटर्स का अरेंजमेंट क्या होगा बेटे, 11 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल, 11 कहां से आ गया बेटे, इन 8 का अरेंजमेंट बताओ ना पहले, 4 फैक्टोरियल अपॉन इनटू 2 फैक्टोरियल, अभी तो बेटे पहले इन 8 का करना है, 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, यस और नो? यस सर। ठीक है, लेकिन हम लेकिन हमने ये कहा था बेटे कि जब उन्हें साथ रखते हैं तो जो साथ हैं उनका भी अरेंजमेंट चाहिए, ये ध्यान रखना, तो अरेंजमेंट ऑफ 4 आईज, लास्ट वाली क्लास एक बार देख लेना उसकी वीडियो या उसका असाइनमेंट,
तो अरेंजमेंट ऑफ फोर आई। अब अच्छी बात क्या है फोर आईज में, चारों सेम है तो फोर फैक्टोरियल, लेकिन चारों सेम है तो फोर फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा तो वन ही आएगा। समझ में आया या नहीं आया? लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन लिया था, हमने कहा था ए बी को साथ ले रहे हैं तो ए बी के लिए दो ऑप्शन हो गए थे, ए बी भी हो सकता है बी ए भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो चारों आई सेम है, किसी को कहीं भी रखो तो नजर तो आई 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 ही आएगा तो वो वन ही लगेगा। तो अरेंजमेंट ऑफ फोर आई इज वन, तो टोटल अरेंजमेंट इफ फोर आईज कम टूगेदर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ गया, एट फैक्टोरियल अपॉन फोर फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल इंटू फोर फैक्टोरियल अपॉन फोर फैक्टोरियल, तो ये आ गया हमारे पास, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब आप करो माइनस, तो इफ फोर आईज डू नॉट कम टूगेदर तो अब क्या करना पड़ेगा भाई, दोनों को माइनस करेंगे। पहले वाला क्या था, 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 आई के लिए 4, पी के लिए 4, नहीं एस के लिए, पी के लिए 2, माइनस 8 फैक्टोरियल और एस के लिए 4 और पी के लिए 2। बताओ सब बच्चे समझ में आया क्या? यस सर आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, समझ भी, फॉर्मूला बेस्ड है, सीधा सीधा था, समझ भी लेना। चलो एक क्वेश्चन और बताओ, फिर मैं आपसे एक अच्छा वाला एग्जाम वाला क्वेश्चन पूछूंगा। इसमें भी दिया हुआ ये क्वेश्चन, चलो अच्छा है, इसमें भी दिया हुआ है, जो मैं मेरे दिमाग में आ रहा था वो यहां भी है। बताओ, In how many ways can the letters of the word permutation be arranged if the words start with E and end with S? बताओ सब बच्चों को। हमारे पास जो वर्ड्स हैं बेटे, कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, पहले तो ये देखो अल्फाबेट्स हैं कितने, P, E, R, M, U, T, A, T, I, O, N, S, ये हमारे पास है, कितने हो गए, P, R, M, U, 5, T, A, T, I, O, 10 और 2, 12, ये पहली चीज तो ये आपने देखी। दूसरी चीज ये, क्या कोई रिपीटेशन हो रहा है इसमें कुछ, एक तो T हमारे पास दो है, और कोई, बस भाई ई तो अलग ही है, ई भी अलग है, आर एम यू टी था बस, आई ओ एन एस, ये बस। आपसे क्या कह रहा है कि भाई पहला वाला पी होना चाहिए और लास्ट वाला एस होना चाहिए, तो पी पहले वाले के लिए कितने ऑप्शन बेटे, वन पी वन, यस और नो? और लास्ट वाले के लिए कितने ऑप्शन बेटे, 1P1। तो बेटे P भी खत्म और S भी खत्म, तो बच्चे बीच में बचे कितने, कितने बचे बेटे, 10? 10 ये आ रहे हैं, 10, तो 10 कहीं भी आ जाएगा तो 10 फैक्टोरियल है ना, लेकिन इस 10 में कोई रिपीट कर रहा था, कौन, टी, दो टी, तो टू टी के लिए टू फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, तो ये हमारा आंसर। सब बच्चों को बताओ समझ में आया क्या? आ गया सर। सारे लेटर्स अगर हम यूज करते हैं बट पहले वाले को पी से और लास्ट वाले को एस पे एंड करते हैं तो 1P1 × 1P1 × 10 × 2 मतलब ऑप्शन फॉर स्टार्टिंग 1P1, ऑप्शन फॉर एंडिंग 1P1 एंड ऑप्शन फॉर रिमेनिंग 10 इज 10 फैक्टोरियल बट डिवाइडेड बाय 2P फैक्टोरियल, ये हमारे पास आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन बच्चे मैं पूछना चाहता हूँ, वॉवल्स आर ऑल टुगेदर, ये पीछे जो हमने बनाया इक्वेशन मंडे उसमें भी आप बना सकते हो, अगर वॉवल्स सारे एक साथ ले लिए जाएं तो जो भी हमने क्वेश्चन किया उसमें भी आप सोच सकते हो, ये हमारे पास है बेटे पी ई आर एम यू ई ए टी आई ओ एन एस, ये हमारे पास है, अगर इसमें से मैं कॉन्सोनेंट ले लूं पी आर एम ई टी
ठीक है, एन एस, ये तो हमारे पास हो गए कंपोनेंट्स, कितने हो गए 4, 3, 7, और हमारे पास क्या बचा, ई, हमारे पास आ गया ई बेटे, और आ गया ए बेटे, ए आ गया ई यू ए आई ओ, ये बेटे हमारे पास थे 7 और ये प्लस 5, 12 थे, आ गया समझ में। अब आपसे कह रहा है ऑल वोवेल्स कम टुगेदर, बताओ क्या बनेगा, इफ ऑल वोवेल्स कम टुगेदर, मैंने आपसे कहा था जिसको भी टुगेदर लेना हो उसको सिंगल ले लेते हैं, तो टोटल ऑप्शंस कितने होंगे, कोई बच्चा बता सकता है, अगर वोवेल्स एक साथ आए तो क्या बनेगा, बताओ, जी बेटे 7P7 नहीं बेटे, आप थोड़ा सा ध्यान से समझा दो, ये जो वोवेल्स हैं इनको भी तो कुछ मानोगे ना, मतलब होगा क्या कि मान लो P से स्टार्ट हो रहा है तो बीच में सारे वोवेल्स एक साथ आएंगे किसी भी तरह से, A E I O U, बाकी कोई कहीं भी आ सकता है, ऐसे हो सकता है सारे वोवेल R के बाद में आए, हो सकता है सारे वोवेल S के बाद में आए, बट आएंगे एक साथ, ऑल वोवेल्स टुगेदर का मतलब ये होता है। तो हमने आपसे क्या कहा, इसको दो चीजों में बांटा करो, क्या बांटा करो, इफ ऑल वोवेल्स कम टुगेदर, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे, लेट ऑल वोवेल्स बी ए सिंगल एंटिटी सिंगल लेटर एक्स, तो अब हमारे पास कितने बचे, नाउ वी हैव, एक तो हमारे पास बेटे x बचा और बाकी के हमारे पास कॉन्सोनेंट्स बचे जो भी हैं, p है ठीक है, r है और m है और n है, s है और दो t है, ये हमारे पास अब अल्फाबेट्स रह गए। अब x जहां भी होगा, मान लो x यहाँ है, मान लो x यहाँ है, x यहाँ है, तो यहाँ x मत समझिए, क्या समझिए, ऑल वोवेल्स a e i o u, लेकिन ये भी ध्यान रखना है जरूरी नहीं वो ए आई ओ यू है, वो हो सकता है यू आई ए ओ, यू आई ए ओ, कुछ भी आपकी सीक्वेंस हो, तो फिर उनका अरेंजमेंट अलग से करें। तो नाउ वी हैव दिस, अब आप मुझे बताओ जरा, अब कितने हो गए हमारे पास अल्फाबेट्स, 4 और 4, 8, तो अरेंजमेंट क्या होगा बेटे इनका, वो होगा बेटे 8 फैक्टोरियल, लेकिन इसमें दो टी सेम है ना बेटे, अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। अच्छा अब अरेंजमेंट करो वोवेल्स का, अरेंजमेंट ऑफ x, x कौन है a e i o, तो वो कितना हो गया 5 फैक्टोरियल, सारी अलग अलग हैं, तो टोटल अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट ठीक है, इफ वोवेल्स कम टुगेदर, वोवेल्स कम टुगेदर तो क्या हो जाएगा बेटे, इन्हें मल्टीप्लाई करो, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 5, बताओ समझ में आया या नहीं आया, आ गया सर ठीक है। अब अगर आपसे ये कहता नॉट टुगेदर तो टोटल में से इसको माइनस कर देना, अगर आपसे इसी क्वेश्चन में कह दे वोवेल्स डू नॉट कम टुगेदर तो टोटल में से, लेकिन टोटल हमारा ये वाला नहीं है, ये वाला तो वो है जब P और S से स्टार्ट हो रहा है, तो टोटल अगर करना हो तो टोटल तो बहुत सिंपल था बेटे, टोटल में तो हम ये करेंगे कि टोटल 12 है और दो टी है, ये है टोटल बेटे 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो इसमें से ये टुगेदर वाला माइनस कर दो तो नॉट टुगेदर वाला आ जाए, समझ में आया या नहीं आया, यस सर आ गया, ये करना है, इसका लास्ट पार्ट आपके लिए कल के लिए, कल के लिए आपका है, कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ये आपके साथ कल डिस्कस करेंगे। There are always four letters between P and S. आप सोचना और एग्जाम्पल सोचना, तो बस आज बैठ के इसको जरा फेयर कर लो, कल तक इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, ठीक है जी, यस सर, यस सर, ऑल द